तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चलो फिर जंगल में मंगल कर लेते हैं। मैं ऐसी वैसी अप्सरा नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब था शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं कोई भी डिसीजन अपने दीदी को बिना पूछे नहीं लेती, मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। हाँ तो फिर शुभ काम में देरी क्यों, भी जल्दी बुलाओ दीदी को। हेलो, हाँ दीदी, आप जल्दी आ जाओ पृथ्वी लोक में। ए छोटी, काहे बुलाया हमें यहाँ? अरे तूने बताया नहीं भी तुम्हारा स्वर्ग बिहार में? दीदी ये बताइए कि आपको लड़का पसंद है? अरे ऐसे कैसे पसंद कर ले? अरे पहले लड़के का टेस्ट होगा। तो कोई बात नहीं, हम हर टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, ले लो जो टेस्ट देना है। तो का है, हम है स्वर्ग के राखी सावन। अगर तुम हमसे डांस कंपटीशन में जीत गए ना, तो हम अपनी छुटकी की शादी तुमसे करा देंगे। वैसे दिल तो मेरा असली राखी सावन के साथ डांस करने का था बहुत देर से। चलो डुप्लीकेट मिल गई, उसकी शादी कर लेते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तैयार हूँ। तो फिर देर काहे की, ए छोटी बजाना हमारा फेवरेट सॉन्ग। जा रहा हूँ और इस चिकनी चुपड़ी अप्सरा को देखकर लाल टपक गई तुम्हारी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तपस्या भंग करने आई थी मेरी, तो मैंने इसको बोला मैं अपनी वाइफ के लिए स्वर्ग मांगूंगा, पर इसने मेरे को अपनी बातों में फंसा लिया। भाई देखो अब बस बहुत झूठ हो गया तुम्हारा। पता है कौन है? ये मेरी मौसी की बेटी है जो फॉरेन पढ़कर आई है आज ही। अच्छा मौसी की बेटी है, साली है मेरी, कोई बात नहीं। अरे फॉरेन से आई है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने जीजा को फंसा ले। बड़ी गलत है ये, मेरे भी एग्जाम लगा रही हो तुम। तुम्हारा मतलब ये है कि सारा कसूर मेरी बहन का है? हाँ, और तुम्हें तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम तो पत्नी व्रता पति हो, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो पता है मुझे तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम मेरे पास इलाज है तुम्हारा, रुक जाओ। इलाज है ये कैसी बात है? पकड़ो। अरे ये क्या भाई? दीदी 5 नंबर का जूता है। हाँ तो 5 मिला के दो इनके गाल पे। एक मिनट मेरी बात सुनो, जो साली होती ना वो जीजा के जूते उठाती है, जीजा पर नहीं उठाती। अच्छा ऐसा है। हाँ जी। एक मिनट ना जीजू। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे।
अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी। और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।